Okay, so in today's class we are going to elaborate the cockroach and in this topic we are going to start with the taxonomic position. सबसे पहले हम बात करेंगे taxonomic position की, उसके बाद हम जाएंगे इसके body structure में, body structure complete करेंगे. body structure में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो head के बारे में बात करेंगे, head, thorax and abdomen, तीन चीज हमने इससे पहले वाली क्लास में नोट किया था, right? head, thorax and abdomen पढ़ेंगे. उसके बाद हम आगे बढ़कर जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कहाँ जाएंगे हम, डाइजेस्टिव सिस्टम में. और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर हम कंसिडर करेंगे गट को, जिसके अंदर मैं तीन अलग अलग पोर्शन गट के करवाऊंगा, फोर गट, मीट गट एंड हिंड गट, ये तीन करेंगे. उसके बाद सेम डाइजेशन कैसे होता है एंड ऑल उसको थोड़ा पढ़ेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड दी एक्सक्रेटरी सिस्टम. उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एक्सक्रेटरी सिस्टम पे, जिसमें माल बिगिन ट्यूब्यूल्स के बारे में, किस तरीके से वो एक्सक्रेशन कंडक्ट करती है उसके बारे में बात करेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड दी ब्लड वास्कुलर सिस्टम, मतलब पूरी की पूरी कॉकरोच की जो ब्लड सिस्टम है उसके अंदर जाएंगे. उसमें एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे हार्ट को लेकर, राइट, उसके हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जिसमें हम उसकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको दो अलग अलग प्रोसेस बताऊंगा. एक हम बात करेंगे रेस्टिंग स्टेज का और दूसरा हम उसके एक्टिव स्टेज का बात करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की. नर्वस सिस्टम आपने क्लास 10th में ओवरव्यू में पढ़ा होगा, जिसमें आपने दो अलग अलग टाइप की सिस्टम पढ़ी होगी. एक पढ़ी होगी आपने CNS एंड सेकेंड इज PNS. CNS मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूड होती है. ये आपने 10th में चैप्टर नंबर 7 में ही पढ़ा था, कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का चैप्टर आता था, राइट. उसके बाद हम जाएंगे PNS, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, राइट. जब ये नर्वस सिस्टम हम पढ़ लेंगे देन विल मूव टूवर्ड द एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे. यहाँ एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसमें हम क्या बात करेंगे कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड जो है कॉकरोच की कितने टाइप की होती है. जनरली तीन अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें मैं आपको कॉर्पोरा कार्डिया का दैट इज द फर्स्ट वन, कॉर्पोरा अलर्टा दैट इज द सेकेंड वन एंड थर्ड वन दैट इज द प्रोथोरेक्टिक ग्लैंड या फिर प्रोथोरेसिक ग्लैंड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. थोड़े नाम जरूर आपको अटपटे लगेंगे लेकिन इतना कुछ है नहीं, बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा. देन विल मूव टूवर्ड द सेंसरी ऑर्गन, जिसमें मैं आपको उसके आईज के बारे में बताऊंगा, राइट, जहां से वो स्पेसिफिकली किस तरीके से इमेज फॉर्म करवाता है, राइट. दैट विल बी द मोस्ट सेंसरी ऑर्गन कॉकरोच का होता है एंड देन विल मूव टूवर्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. लास्ट में हम जाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम उसके डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे and then we will going to end the chapter with this topic. So this will be the basic overview of the topic cockroach, right, and we'll start with the taxonomic position. सबसे पहले हम बात करेंगे taxonomic position, right. आपको notes भी बनाती जानी है, question हो doubt हो तो आपको separate page में लिखना भी है, so you can ask the doubt to me at any time, right. So, सबसे पहले जैसे कि हम बात करेंगे टेक्सोनोमिक पोजीशन की, राइट. तो इसमें आपको हायरार्की पता है, राइट. जैसे मैं आपको बता रहा था हम हायरार्की पढ़ चुके हैं क्लास 10 में, आपने पढ़े होंगे लाइक किंगडम आता है, राइट, देन कम्स फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दैट विल बी दी हायरार्की. तो यहाँ पर हम कॉकरोच की हायरार्की पढ़ेंगे. तो हायरार्की में जब भी हम हायरार्की बात करते हैं तो हायरार्की जो है नीचे से पड़ जाती है, दैट विल फ्रॉम द स्पीसीज, स्पीसीज से पढ़ी जाती है. तो स्पीसीज अगर हम बात करें तो ये होता क्या है, स्पीसीज की अगर मैं बात करूँ तो स्पीसीज जनरली होता क्या है, तो स्पीसीज जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट, एक हायरार्की का स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीसीज होता है और ये रियल में एग्जिस्ट करता है इस अर्थ के ऊपर, रियल में एग्जिस्ट करता है. अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद अगर हम जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर आएंगे हायरार्की में, सो व्हाट विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनिज्म एंड देयर पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ स्पीसीज दैट इज नोन एज जीनस. अगर मैं बहुत सारे स्पीसीज का ग्रुप कर दूँ, राइट, तो उसको क्या कहेंगे हम, जीनस कहेंगे. सेम वे अगर मैं जीनस का ग्रुप करता हूँ, बहुत सारे जीनस को ग्रुप कर देता हूँ, तो आई विल कम टू नो द ऑर्डर, मुझे क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा. एंड देन अगर मैं इस ऑर्डर को ग्रुप करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्लास. एंड सेम वे अगर मैं क्लास को ग्रुप करूँगा देन आई विल गेट फाइलम, एंड देन फाइलम के बाद मुझे मिलेगा किंगडम, व्हाट आई विल गेट, किंगडम.
राइट। सो ये यहाँ पर जो है हम जो पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिक पोजीशन। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो पहले आपको एक साइंटिफिक रूल बता देता हूँ। साइंटिफिक रूल्स क्या कहता है कि अगर आप कुछ चीज़ों के लिए साइंटिफिक नेम, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बात कर रहे हैं राइट, ह्यूमन बीइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप सबको पता हमारा एक यूनिक नाम है, यस और नो, हम सबका एक यूनिक नाम है जिसके बेसिस पे हमारी आइडेंटिटी बनती है। हमें कोई आइडिया, मैं कैसे आपसे बात करूँगा, मैं कैसे पूछूंगा कौन सा स्टूडेंट मुझे आंसर करेगा, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक नाम दिया गया राइट। सेम ऑर्गेनिजम्स का भी डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया, ऑर्गेनिजम्स का भी डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे लिए कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए कॉकरोच, हम इसको कॉमन लैंग्वेज में कॉकरोच कहते हैं। माइट बी पॉसिबल आप किसी और कंट्री में जाओ या किसी और लैंग्वेज में जाओ तो कॉकरोच को कुछ और नाम से बुलाया जाए राइट, तो हम खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे, अरे ये क्या है, वॉट इज दिस। जब वो हमें अगर पिक्चर दिखाएंगे, अपना फोटो दिखाएंगे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये तो कॉकरोच है, हम तो इसको कॉकरोच बोलते हैं राइट। तो ऐसी गड़बड़ ना हो इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने हर एक ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उन सबको एक यूनिक नाम दिया गया है, उस नाम के बेस पे उसको पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम कॉकरोच पढ़ रहे हैं तो कॉकरोच जो है इसकी स्पीसीज का नाम है अमेरिकाना, कॉकरोच जो है उसकी स्पीसीज का नाम क्या है अमेरिकाना। अगर आप इसकी जीनस की ओर जाओ तो जीनस का नाम है पेरीप्लानाटा, जीनस का नाम क्या है पेरीप्लानाटा। तो यहाँ कॉकरोच का साइंटिफिक नेम हुआ पेरीप्लानाटा अमेरिकाना, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच इज पेरीप्लानाटा अमेरिकाना। उसका ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा है, ऑर्डर क्या है डिक्टियोप्टेरा, और उसका क्लास है इंसेक्टा। वाइल उसकी फाइलम की अगर हम बात करें देन इट्स अर्थ्रोपोडा, फाइलम विल बी दी अर्थ्रोपोडा राइट। अब यहाँ एक चीज आपको साइंटिफिक रूल के हिसाब से याद रखना है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिख रहे हो राइट तो याद रखिए जीनस का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ये रूल है, इसके मार्क्स कट जाते हैं। जीनस जो है उसका पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, जबकि स्पीसीज का पहला लेटर ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए। दिस विल बी द रूल नंबर वन। रूल नंबर वन क्या कह रहा है, जीनस का पहला लेटर कैपिटल, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल। नंबर टू नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, रूल नंबर टू ये कह रहा है कि आपको इन दोनों वर्ड को सेपरेट लिखना है, दोनों वर्ड को सेपरेट एक स्पेस देके लिखना है राइट। नंबर थ्री थर्ड नंबर का रूल क्या कह रहा है कि भाई अगर आप इस नाम को अपनी पेन से लिख रहे हो, नोटबुक में पेन से लिख रहे हो पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, तो आपको इन दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन करना है, क्या करना है सेपरेटली अंडरलाइन करना है, ये सारे रूल्स कंपलसरी है। लेकिन अगर आप इसको कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो और प्रिंट कर रहे हो तो इट मस्ट बी इन द इटैलिक फॉर्म, इटैलिक मतलब क्रॉस में होने चाहिए नॉर्मल से ज़्यादा। देखिए पेरीप्लानेटा और अमेरिका दोनों वर्ड डिक्टियोटा इंसेक्टा के मुकाबले कुछ आपको क्रॉस दिखेगा, ये साइंटिफिक रूल है। अब आप पेन से लिखोगे तो आप इस तरीके से क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए क्या रूल है अंडरलाइन को। तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रूल मिस करते हो तो भी आपके जो है क्या हो जाए मार्क्स कटे हैं। जैसे कि अगर आपने कोई एग्जाम दिए, जैसे अभी यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्स गए थे उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं कि फाइंड दी करेक्ट नेम, एक करेक्ट साइंटिफिक नेम पूछिए। फॉर एग्जाम्पल वहां पर पूछा है साइंटिफिक नेम करेक्ट, तो वहां पर आपको एग्जाम्पल में पूछा है मैंगो, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है मेंजीफेरा इंडिका, तो आपको जो चार ऑप्शन देंगे वो चारों में एक ही चीज लिखी होगी भाई मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका एंड मेंजीफेरा इंडिका। सो ओवर हियर अगर कॉकरोच का पूछा है फाइंड द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच, तो यू विल गेट फोर डिफरेंट टाइप ऑप्शन एंड देन ऑल द ऑप्शंस आर हैविंग पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, कॉमन लिखा होगा प्रोनाउंसिएशन। लेकिन मिस्टेक क्या होगी, एक नाम तो प्रॉपर लिखा होगा सेम इटैलिक भी होगा, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा, जो आप चूज करोगे। बाकी के जो तीन ऑप्शन है उसमें किसी का जीनस का नेम स्मॉल करके स्पीसीज कैपिटल कर देंगे, किसी में दोनों कैपिटल कर देंगे, किसी में अंडरलाइन कर देंगे और किसी ऑप्शन में इटैलिक फॉर्म में से हटा देंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से पूछा जाता है, जनरली एक सिंगल क्वेश्चन जो है नीट की एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन ऐसा साइंटिफिक नेम का होता ही है। नीट का मार्किंग आप सबको पता है
प्लस फोर एंड माइनस वन। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो आपको फोर मार्क्स मिलते हैं, रोंग होने पे ये चार तो जाते हैं, साथ में एक और मार्क्स भी कट जाता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा टेक्सोनॉमिक पोजीशन, किसकी? कॉकरोच की। व्हाट वी हैव सीन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीसीज। सो ओवर हियर जो स्पीसीज है, अगर मैं बात करूं तो स्पीसीज में हमें जो रियल कॉकरोच अगर आप देखेंगे अपने घर के आसपास, तो दैट विल बी दी अमेरिकाना। जनरली जो मिलता है दैट इज अमेरिकाना, आपके घर में, आपके आसपास, मतलब आपने अपनी लाइफ में अगर कोई कॉकरोच देखा है, जनरल कॉकरोच, सो दैट विल बी पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। कौन सा होता है वो? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, राइट। जनरली कॉकरोच जो है इंडिया के अंदर दो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इन इंडिया यू विल फाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉकरोच जीनस। द फर्स्ट वन इज पेरीप्लैनेटा एंड सेकेंड वन विल बी दी ब्लाटा। दो जीनस हमारे इंडिया में मिलती है, एक मिलती है पेरीप्लैनेटा, दूसरी मिलती है ब्लाटा। याद रखनी है, जीनस भी लिखनी है, राइट। अब इस जीनस में आपको बहुत सारी, ढेर सारी स्पीसीज जरूर मिलेगी। स्पीसीज जो है आपको यहाँ पर बहुत सारी मिलेगी, ये अभी आपको याद रखना, राइट। सो द टर्म, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये दो टर्म दिए किसने, राइट। तो पेरीप्लैनेटा नाम का टर्म जो है वो देने वाले साइंटिस्ट का नाम है बर्मेंस्टर। साइंटिस्ट का नाम है बर्मेंस्टर। पेरीप्लैनेटा, that name was given by name, or I can say term was given by Burmeister, while Blatta, अगर मैं Blatta की बात करूँ तो Blatta term is given by Linus। कैसे pronounce करेंगे? Linus। आपको पता है Linus की discovery के लिए बहुत ज़्यादा उसका नाम आप भी याद रख रहे हैं, आपने already जितने भी chapter से पहले वाले पढ़े हैं almost ये scientist आए ही हैं। तो याद रखना, साइंटिफिक नेम प्लस साइंटिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट में खास करके वो साइंटिस्ट जिसको नोबल प्राइज मिलता है, क्या मिलता है? नोबल प्राइज मिलता है, वो साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, राइट। तो पेरीप्लैनेटा वॉज गिवन बाय बर्मेंस्टर, वाइल दी ब्लाटा टर्म वॉज गिवन बाय लीनस, राइट। द मोस्ट कॉमन कॉकरोच इन इंडिया दैट इज द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, यानी कि हमारे घर में, हमारे आसपास के घर में, या जो किचन है वहाँ पर, या किसी भी आपको कचरे के ढेर में अगर कोई कॉकरोच मिलता है, तो जनरली आपको पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना ही मिलेगा। वो कौन सा होगा? वो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। व्हाइल ब्लाटा अमेरिकाना, सॉरी ब्लाटा ओरिएंटालिस जो है, इट्स फाउंड इन ओरिएंटल रीजन बट इज लेस कॉमन इन इंडिया। ये वाला कॉकरोच जो है हमें बहुत ही कम देखने को मिलेगा। क्या नाम है? ब्लाटा ओरिएंटालिस। ब्लाटा ओरिएंटालिस हमें बहुत ही कम केस में इंडिया में देखने को मिलता है। तो जनरली इंडिया में जो मेजर देखने को मिलता है उसका नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कुछ डिफरेंसेस दोनों के बीच में, राइट। हम बात करेंगे डिफरेंस के बारे में, ब्लाटा ओरिएंटालिस एंड पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बीच में जनरल डिफरेंस क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो जनरली आप इस टेबल को इस फॉर्म में भी बना दीजिए, टेबल भी बनाना है आपको, राइट। अब देखते हैं, देखो टोटल यहाँ पर सिक्स डिफरेंस मेंशन किए हुए हैं, राइट। पहले डिफरेंस की ओर पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है कि भाई ब्लाटा ओरिएंटालिस जो है, पहला डिफरेंस क्या कह रहा है, इट इज ओरिएंटल एंड इंडियन कॉकरोच। कौन सा कॉकरोच है भाई? इंडियन, हमारे इंडिया में। जनरली आपको पता है, अब आप जिस चीज़ के बारे में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए दोनों कॉकरोच इंडिया में दिखते हैं, ब्लाटा ओरिएंटालिस प्लस पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, दोनों इंडिया में देखते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो जो ब्लाटा ओरिएंटालिस है वो इंडियन कॉकरोच है। समझ में आया? कहाँ का है? इंडियन कॉकरोच है, राइट। ऊपर से यह ओरिएंटल है, ऊपर से यह ओरिएंटल है, ओके। ओरिएंटल का मतलब क्या होता है जनरली अगर हम बात करें? ओरिएंटल, यहां जो वर्ड है ओरिएंटल, इसका मतलब होता है जनरली एशियन, मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो उसको एशिया में मिलती है, स्पेशली ईस्ट एशिया की बात है, राइट। ओरिएंटल का मतलब होता है ऑफ या फ्रॉम, या फिर आई कैन से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एशिया एंड स्पेशली ऑफ ईस्ट एशिया, राइट। और ये इंडियन कॉकरोच है, ये आपको नोट करके रखना है। कुछ आपको चार ऑप्शन दे देंगे कॉकरोच के और पूछेंगे कि भाई विच वन इज बिलोंग फ्रॉम ओरिजिन ऑफ इंडिया,
या फिर विच वन इज इंडियन कॉकरोच, और आपको चार डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देंगे, राइट। तो यहां पर आएगा ब्लाटा ओरिएंटालिस, राइट। नेक्स्ट दूसरा जो कॉकरोच है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, जनरली इट इज अमेरिकन कॉकरोच। देखिए नाम से ही पता चल जाता है, नाम में लिखा अमेरिकाना, राइट। जनरली इट इज अमेरिकन कॉकरोच बट इज कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की वाइज अगर देखा जाए तो ये कॉस्मोपोलिटन है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब होता है कि ऑल ओवर कहीं पे भी मिल जाए, राइट, कहीं पे भी अवेलेबल हो, यानी कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो अच्छी खासी रहती है। किसी भी कंट्री में मिलना, इसका इजीली मिल जाना होता है। तो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना अमेरिकन कॉकरोच है प्लस कॉस्मोपोलिटन है, मतलब इजीली अवेलेबल है, राइट। सेकेंड डिफरेंस क्या कह रहा है, ब्लाटा ओरिएंटालिस जनरली ब्लैक कॉकरोच है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ब्लैक बीटल। उसको हम ब्लैक बीटल भी कहते हैं, व्हाई, बिकॉज इट इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक में होने की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, ब्लैक बीटल भी कहते हैं। जबकि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो है इट्स डार्क ब्राउन इन कलर, जो हमारे घर में निकलता है हमको भी पता है दैट इज इन डार्क कलर, राइट, डार्क ब्राउन कलर का होता है। थर्ड की बात करते हैं तो इन मेल्स, अभी हम मेल्स की अगर हम बात करें, सो द विंग्स कवर हाफ ऑफ द बॉडी। मेल्स की जो विंग्स होती है वो आधी से ज्यादा बॉडी को कवर कर लेती है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है, फीमेल में ऐसा नहीं है। इन फीमेल्स द विंग्स आर रूडिमेंट्री, पूरा कवर नहीं करती है, जबकि मेल्स के केस में ये बॉडी को कवर करती है, ठीक है, हाफ जितना कवर करती है। जबकि अगर हम सेकेंड पेरिप्लेनेटा की बात करें तो ओवर हियर यू विल फाइंड विंग्स आर लार्जर एंड कवर होल द एब्डोमेन। एब्डोमेन क्या था, स्टमक वाला एरिया, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हेड, यहाँ आपको छोटा सा थोरेक्स मिलेगा एंड दिस विल बी दी एब्डोमेन, दिस विल बी दी एब्डोमेन, राइट। तो ये हो गया हमारा एक कॉकरोच, ये हमारा कॉकरोच हो गया, ये है हेड, यहाँ वाला पोर्शन थोरेक्स कहते हैं, दिस विल बी दी एब्डोमेन। तो यहाँ पर कैसे लिखा है कि जो विंग्स है वो लार्जर है और ये सारी विंग्स जो है लंबी लंबी विंग्स जो है क्या कवर करती है, पूरा एब्डोमेन, मतलब कि उसकी बॉडी को कवर कर लेती है, राइट। फोर्थ डिफरेंस कह रहा है ब्लाटा ओरिएंटालिस इट कैन नॉट फ्लाई, उड़ नहीं सकता भाई, छोटी छोटी विंग्स है ना, इट कैन नॉट फ्लाई। लेकिन जो अमेरिकाना है इट कैन फ्लाई, आपके घर का कॉकरोच उड़ सकता है, बात तो भी तेज है, राइट। फिफ्थ डिफरेंस क्या कह रहा है, लेग्स डू नॉट हैव एरोलियम, एरोलियम प्रेजेंट नहीं है, दैट इज द पल्विलस फॉर मूविंग ऑन द स्मूथ सरफेस। अब जैसे कि जैसे अगर हम नॉर्मली इंडिया हमारे ह्यूमंस के लेग की बात करें तो किस तरीके से लेग बनते हैं, लेग की बनावट कैसी होती है, लेग कुछ अलग वे में बनते हैं, जिस तरीके से हम अलग फिसलने वाली जगह पे भी हम अपने आप को बैलेंस कर लें, रफ सरफेस में तो हम चल ही सकते हैं, राइट। सेम यहाँ क्या टिश्यू प्रेजेंट है, एरोलियम, राइट, यानी कि छोटे छोटे पैड लाइक उसके प्रोजेक्शन है, लोब बने हुए हैं, राइट, जिसकी वजह से वो स्मूथ सरफेस जो होती है वहां पर चल सके। लेकिन यहाँ जो ब्लाटा ओरिएंटालिस है उसके पास ये एरोलियम पल्विनस प्रेजेंट नहीं है, दैट इज अ पैड लाइक लोब विच इज प्रोजेक्टिंग बिटवीन द टार्सल क्लोज एंड डिफरेंट, ये हम इसके एनाटोमी में पढ़ेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, एक छोटे छोटे पैड लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको स्मूथ सरफेस पे अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, किसमें प्रेजेंट नहीं है, ब्लाटा में। जबकि पेरिप्लेनेटा की बात करें तो यहाँ ये प्रेजेंट है, देख लिखा है, लिखा है एरोलियम और पल्विलस प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ईच लेग, हर एक पैर के पीछे ये प्रेजेंट होगा ताकि वो स्मूथ, चिकनी से चिकनी सरफेस, स्मूथ सरफेस पे इजीली अपने आप को क्या कर सके, चल सके, मूव कर सकते, राइट। एंड द लास्ट सिक्स्थ डिफरेंस क्या कह रहा है, ब्लाटा दैट इज द डाइप्लोइड इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में डाइप्लोइड यानी कि 2n है और दैट इज 48, या क्रोमोसोम नंबर याद रखिएगा, ब्लाटा का 2n है एंड दैट विल बी द 40n। सो यहां n की वैल्यू क्या हुई, 2n इज इक्वल टू 48 लिखा है। आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, दैट मींस n इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2, राइट, एंड द आंसर विल बी व्हाट, आंसर क्या मिलेगा अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो, राइट, मुझे क्या मिलेगा यहां पर 24, राइट। सो एन की वैल्यू 24 आई, जबकि ह्यूमन के केस में ये 46 होता है, ह्यूमन के केस में
2n की वैल्यू 46 होती है। क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। यहाँ कॉकरोच में, ब्लाटा ओरिएंटलिस में ये वैल्यू कितनी है? 48, यानी कि 24 पेर हुई। अब पेरी प्लैनेट के सामने जाएंगे तो ये डाइप्लोइड क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी है? 34। तो 34 डिवाइड बाई 2 करो तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? n की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 17, राइट। यानी कि टोटल कितनी? 17 पेयर्स हुई यहाँ पर, राइट। जबकि क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 34। सो ये बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में? ब्लाटा ओरिएंटालिस एंड पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, राइट। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, राइट। ये जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इसका इंसेक्टा है, जीनस पेरीप्लैनेटा और स्पीसीज क्या है? अमेरिकाना, राइट। साइंटिफिक रूल जो है फॉलो करने हैं आप लोगों को बिना किसी एक चीज काट के, राइट। अभी हम बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की। नाउ विल टॉक अबाउट दी मॉर्फोलॉजी, ओके। कॉकरोच की जो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दो चीज बात करनी होती है तो पहले तो डिफरेंस जान लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी? आप मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है, राइट, उसको क्या कहते हैं? मतलब सामने से देखने पे वो कैसा दिखता है, दैट इज द मॉर्फोलॉजी। अगर हम उस ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, उसके सेल्स की, टिश्यूज की, यानी कि हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी की। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब एनाटॉमी एंड एक्सटर्नल सर्फेस स्ट्रक्चर, आउटर सर्फेस जो भी होता है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। ये आपको क्लियर रहना दोनों चीज के, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। पहले हम मॉर्फोलॉजी बात करेंगे, उसके बाद हम एनाटॉमी बात करेंगे, राइट। तो मॉर्फोलॉजी मतलब हम उसको, वो कैसा दिखता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कैसा क्या दिखेगा? इतना क्यूट तो दिखेगा नहीं, राइट, ओके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पॉइंट्स वाइज मेंशन कर रखा है मैंने। मॉर्फोलॉजी में ये एनिमल जो, सॉरी, इंसेक्ट जो है वो है नॉक्टर्नल, राइट। क्या है? नॉक्टर्नल। इसकी बॉडी भी जो है तीन अलग अलग पार्ट में आपको देखेंगे मिलकर डिवाइड हो रही है। थ्री डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। टाइप्स इन द सेंस बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। किस तरीके से डिवीजन है उसकी बॉडी की, अगर मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए, यू विल फाइंड हेड, द फर्स्ट वन विल बी द हेड, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे थोरेक्स की, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, दैट विल बी द थोरेक्स, एंड थर्ड पार्ट दैट इज द एब्डोमेन। एब्डोमेन कहाँ आएगा? नीचे, राइट। दिस विल बी द एब्डोमेन, दिस इज थोरेक्स एंड दिस विल बी द हेड। यहाँ ऊपर आपको हेड दिख रहा है। तो बॉडी जो है दूसरे कॉकरोच जो है उसकी, दूसरे इंसेक्ट के मुकाबले तीन अलग अलग पार्ट्स में डिविजिबल है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है उसको क्या कहते हैं, रीजन भी कह सकते हैं हम उसको, रीजन भी कह सकते हैं। लाइक लास्ट पॉइंट मेंशन किया है, बॉडी हैज थ्री रीजन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, राइट। जनरली ये नॉक्टर्नल एनिमल है, ओमनिवरस है, एंड दे विल लिव इन डैम प्लेसेस। डैम मतलब कचरे के डब्बे में रहता है, सिंपल भाषा में बोलूं कहाँ रहता है? कचरे के डब्बे में, राइट। अब यहाँ पर दो वर्ड आए, एक आया ओमनिवर्स और एक आया नॉक्टर्नल, राइट। नॉक्टर्नल का मतलब होता है निशाचर, यानी कि रात में निकलने वाला, यानी कि ये इंसेक्ट आपको दिन में नहीं दिखेगा, सिर्फ केवल रात में दिखेगा, राइट। ओमनिवर्स का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिकली एक पर्सन या एनिमल दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। मतलब कि ये इंसेक्ट जो है ओमनिवोरस है, मतलब कि ये प्लांट को भी खा सकता है, एनिमल को भी खा सकता है, उसके प्रोडक्ट को, राइट। तो मिक्सचर है ये दोनों का, जैसे वेज और नॉन वेज कैसे होता है, लाइक, राइट। और रहता कहाँ है? डैम्प प्लेसेस में, कचरे के डब्बे में, इन शॉर्ट। इसकी लेंथ की बात करें तो जो एडल्ट होते हैं, बच्चे नहीं, एडल्ट जो होते हैं जनरली 34 to 35 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं, राइट। बॉडी जो है इट इज कवर्ड बाय अ हार्ड ब्राउन काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब, एक्सो का मतलब होता है बाहर से प्रोटेक्ट करने वाला उसका स्केलेटन, जो काइटिन से बना होता है, इसलिए उसको कहते हैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। एकदम हार्ड होता है जो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है ना। उसकी बॉडी अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप में आपको सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलेगी, ये वन, फिर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आएगा ये 2 3 4 5 6, सो ऑन। ये क्या है? आपको पार्टीशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पार्टीशन, यानी कि सेगमेंट्स देखने को मिलेगा, राइट। सो इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट, दैट इज नोन एज स्केलेट, स्केलराइट्स।
अब इसमें आपको स्क्लेराइट्स देखने को मिलेगा। स्क्लेराइट्स क्या है, उसकी हर एक सेगमेंट में एक हार्ड स्केलेटन प्रेजेंट होता है, हार्ड स्केलेटन प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्लेराइट्स कहते हैं। डोर्सल टर्जिट एज वेल एज वेंट्रल स्टर्नाइट दोनों प्रेजेंट के हिसाब से प्रेजेंट, मतलब आगे की साइड पे भी होता है पीछे की, यानी कि पूरी तरीके से सरफेस को कवर करता है, उसको क्या हम कहते हैं स्क्लेराइट्स। क्या है, एक हार्ड प्लेट है एक्सोस्केलेटन की, यानी कि उसके प्रोटेक्शन के लिए, राइट, दैट आर जॉइंड बाय अ थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ये हर एक प्लेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होती है, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, दैट इज आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं उसको। यानी कि यहाँ जो मुझे दो अलग अलग दिख रहे हैं ना, दो सेगमेंट जो आपस में कनेक्ट है, वो कनेक्ट किसकी वजह से है, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की वजह से। क्या कहते हैं उसको, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और बॉडी हेड थोरेक्स एब्डोमेन तीनों में है, जो मैंने अभी आपको बताया, क्लियर है, बॉडी तीनों में डिविजिबल है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए मॉर्फोलॉजी में, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी क्या कह रही है, लेट मी क्लियर दिस थिंग फर्स्ट, ओके। अब यहां पर इंडिविजुअल हम तीनों चीज पढ़ेंगे, हेड के बारे में पढ़ेंगे, थोरेक्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन, राइट। तो हेड की बात करते हैं, तो यहां क्या लिखा है, हेड दैट विल बी ट्राइंगुलर, हेड ट्राइंगुलर, ट्राइंगल आपको समझते हैं, राइट, ट्राइंगल देखो, इसका हेड के शेप को देखो आप, ट्राइंगल के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो ट्राइंगुलर हेड दैट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स डिफरेंट सेगमेंट, हेड डिफरेंट डिफरेंट सिक्स सेगमेंट से बनता है, इससे बनता है सिक्स सेगमेंट, डोंट गेट फॉरगॉटेड, राइट। इसकी जो हेड है, मुंडी कहें अगर, तो छह अलग अलग पोर्शन से बनती है, राइट, दैट शोज अ ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल द डायरेक्शन ड्यू टू द फ्लेक्सिबल नेक। इसकी जो नेक है वो कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से इतनी फ्लेक्सिबल है जो उसको एक ग्रेट मोबिलिटी प्रोवाइड करती है, हर एक डायरेक्शन में अगर उसको देखना है तो इजीली वो देख सकता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, और क्या क्या प्रेजेंट है भाई उसके हेड में, सो हेड बियर्स अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटेना, उसके हेड में आपको एंटेना देखने को मिलेगा, सी दिस ब्लैक वन, क्या कहते हैं इसको, एंटेना। उसके बाद आपको उसके कंपाउंड आईज देखने को मिलेगी, दैट इज ऑल्सो पेयर, सिंगल पेयर होती है, यानी कि दो आईज होती है। एंड थर्ड अ बाइटिंग और च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट, राइट, बाइट करने वाला, चबाने वाला आपको उसका एक माउथ देखने को मिलेगा, राइट। एंड माउथ पार्ट जो होता है, इट कंटेन्स और कंसिस्ट अ लेब्रम, किससे बना है, एक लेब्रम होता है, दैट इज द अपर लिप, राइट, अपर लिप जो होता है उसको क्या कहते हैं, लिब्रम। देखो यहाँ पर नीचे वाले डायग्राम को फोकस करिए, हियर इट इज लेब्रम, ये पूरा लेब्रम है। देन कम्स अ पेयर ऑफ मैंडिबल्स, उसके ऊपर एक पेयर होती है मैंडिबल्स की, राइट। एंड देन हाइपोफेरिंग्स, दैट इज द टंग, हाइपोफेरिंग्स दैट इज द टंग, देखो ये रही जो इंटरनल अंदर की साइड पे प्रेजेंट होती है, टंग प्रेजेंट होती है। एंड अ पेयर ऑफ मैक्सिलिया, मैक्सिलिया की पेयर होती है जो बाहर की स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगी। एंड देन अ लेबियम, लेबियम क्या होता है, लेबियम दैट इज द लोअर लिप, नीचे वाला जो लिप होता है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं लेबियम। तो ये क्या हो गया, उसकी रचना किसकी, हेड की भाई, किसके हेड की, कॉकरोच की। हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजी, आउटर एक्सपीरियंस, जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है उसके बारे में बात करते हैं। सो मैंने पहले ही बोला, द हेड कंसिस्ट ऑफ सिक्स सेगमेंट, दैट इज द फ्यूज्ड वन, एंड इज डाउनवर्डली डायरेक्टेड, दैट मीन्स हाइपोगनाथोजियम, डाउनवर्ड से नीचे की साइड पे होता है, राइट। यहाँ एक्सोस्केलेटन जो है वो किससे बनता है, उसका एक्सोस्केलेटन अगर हेड की बात करें, इट्स वर्टेक्स, फ्रोन्स, गेना एंड क्लिपस, सारी चीजें पड़ता है। जनरली वर्टेक्स जो है इन्वर्टेड होता है, वाई शेप का होता है, वाई शेप का होता है, उल्टाग्रम करेंगे तो सी इलेबियम के पास आपको ये देखेगा वाई टाइप से, राइट, उल्टा वाई, ठीक है, यहां मैं बना रहा हूं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे डिफरेंशिएट हो गया, नाउ देयर इज वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, जैसे मैंने बताया, इस आईज के बारे में बात करूं तो दोनों साइड पे हेड पे आपको एक एक कंपाउंड आईज देखने को मिलेगी, राइट। देखो ये क्या हमें देखने को मिलेगी, कंपाउंड आई, एंड दिस ईच आई इज सेंसाइल, और आई कैन से कंटेन्स अबाउट 2000 विजुअल यूनिट्स, कीप इन माइंड, इसकी एक आंख में, सिंगल आई में आपको 2000 जितने विजुअल यूनिट्स देखने को मिलेगा। इस सिंगल यूनिट को ओमाटिडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, ओमाटिडिया आपको लिखना है, आपको क्या करना है, नोट करना है,
ओमाटिडिया, दैट इज OMMATIDIA, क्या कहते हैं ओमाटिडिया, मतलब OMMATIDIA, ओमाटिडिया, राइट राइट। अब कितने विजुअल यूनिट्स है, 2000। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने बताया, एक पेर सिंपल कंपाउंड आई है, सिंपल आई है, ओसिलाई इसको बोलते हैं, सिंपल कंपाउंड आई थी, राइट। 2000 विजुअल यूनिट हो गए, विजुअल यूनिट को कहते हैं ओमेटिडिया, राइट। जनरली स्पेसिफिकली इसको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉपर व्यूइंग के लिए होती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट द माउथ पार्ट, कॉकरोच की बात करें जो कटिंग चूइंग टाइप का होता है, मैनिपुलेटेड बना होता है, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, डायग्राम भी आप देख सकते हैं ये वाला, राइट। तो ये क्या हो गया, जनरली हमने मॉर्फोलॉजी में उसके हेड के बारे में बात कर ली, किसके बारे में बात कर ली, हेड के बारे में बात की। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थोरेक्स के बारे में, सेकेंड पार्ट उसका क्या है मॉर्फोलॉजी में, थोरेक्स। अभी हम अंदर नहीं गए हैं बच्चों, हमने अभी तक उसके सेल्यूलर लेवल पे बात ही नहीं की, मतलब अभी हम बाहर ही हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, थोरेक्स की बात करते हैं। सो थोरेक्स टोटल थ्री पार्ट्स, थोरेक्स में टोटल कितने हैं, थ्री पार्ट, तीन अलग अलग पार्ट्स अपने को देखने के मिलेंगे, जिसको क्या नाम दिया गया है, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। सी यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, क्लियर है, तीन चीज, प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, तीनों मिलके क्या बनता है, थोरेक्स, तीनों मिलके क्या बनाएगा, थोरेक्स बनाएगा, ठीक है। हेड इज कनेक्टेड विद द थोरेक्स बाय अ नेक, अब हेड जो है थोरेक्स, थोरेक्स के साथ कनेक्टेड होता है एक नेक के जरिए, दैट इज द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स का एक छोटा सा एक्सटेंशन होता है, राइट। ईच थोरेसिक सेगमेंट, हर एक थोरेसिक सेगमेंट की अगर हम बात करें, देन इट बियर्स अ पेयर ऑफ लेग्स, देखो आप देखने को मिलेगा, उसको हम कहते हैं प्रोथोरेटिक लेग्स, हर एक थोरेक्स के पार्ट में से आपको एक सिंगल पैर देखने को मिलेगी लेग की, पैर कैसे हो गई, एक लेग इस साइड पे है जबकि दूसरा उसके दूसरी साइड पे, राइट। सो जनरली द एक्सोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट, दैट इज स्केलेटर, जैसे बताया यहाँ पर थोरेक्स में, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उसके हर एक थोरेसिक सेगमेंट से आपको एक सिंगल लेग पैर देखने को मिलेगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास क्या प्रेजेंट है, विंग्स फॉर फ्लाई, राइट। उसमें आपको देखेंगे तो एक मिलती है फोर विंग्स एंड सेकंड विल बी दी हिंड विंग्स, दो अलग अलग टाइप की विंग्स देखने को मिलेंगे, कितनी, दो अलग अलग टाइप की विंग्स होती है, फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स। फोर विंग्स की बात करें, दैट इज मेजोथोरासिक, क्या दूसरा नाम है, मेजोथोरासिक, या फिर उसको कहते हैं टेग्मिना, क्या कहते हैं, टेग्मिना। और ये कितनी होती है, दो होती है, सी दिस विल बी दी टेग्मिना, फोर विंग्स, और हिंड विंग्स कितनी होती है, दो नीचे वाली, राइट, उसको भी कहते हैं मेटाथोरेसिक। अब देखो डिफरेंस क्या है भाई, जो हिंड विंग्स होती है बच्चों, मेटाथोरेसिक होती है, वो छुपी हुई होती है किसके थ्रू, टेग्मिना, टेग्मिना उसको कवर करती है। देखो ये लेफ्ट साइड की विंग, आपको सिर्फ टेग्मिना दिखेगा, हिंड विंग नहीं दिखेगी, राइट। जनरली टेग्मिना जो होता है वो ओपेक, डार्क और लेदरी होता है, दैट इज गोइंग टू कवर द हिंड विंग्स व्हेन द रेस्ट, जब उड़ते हैं वो तो हिंड विंग के सहारे वो उड़ता है, जब वो रेस्ट कर रहा है, नहीं उड़ रहा है, तो हिंड विंग को प्रोटेक्ट करने का काम क्या करता है, टेग्मिना करता है, राइट। हिंड विंग जनरली ट्रांसपेरेंट होती है, मेम्ब्रेनियस होती है, एंड जनरली वो यूज कहाँ होती है, फ्लाइट, उड़ने के लिए यूज करते हैं, राइट। जैसे मैं आपको बता रहा था लेग की बात की थी हमने, तो हर एक थोरेसिक में जैसे तीन है तो टोटल छह लेग हो जाएंगे, राइट। इसके लेग के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, लेग के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो यहां जो आपको लेग का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसमें आपको तीन पार्ट देखने को मिलेगा, लेग इसको पहले मैं मिटा देता हूं ताकि आपको इजीली समझा सकूं। देखो ये वाले लेग को आप फोकस करिए, ठीक है, आपको यहां पर फर्स्ट डिवीजन दिख रहा है, छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, राइट, उसको कहते हैं कोग्जा, COXA, क्या कहते हैं, COXA, जो पहला छोटा सा पोर्शन है कोग्जा, ठीक है। उसके बाद ये आपको जो लंबा वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, राइट, इस लंबे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, फेम्यूर कहते हैं, एफ ई एम यू एन आर, क्या कहते हैं, फेम्यूर कहते हैं। उसके बाद आपको जो थर्ड पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला फेम्यूर के बाद छोटा सा पोर्शन एक आपको दिखने को मिलेगा, उसको कहते हैं टिबिया, क्या कहते हैं, टीबिया, टी आई
TIBIA, टिबिया। जनरली टिबिया में छोटे छोटे स्पाइंस हेयर्स भी होते हैं, फेम्यूर वगैरह की तरह हेयर्स डेवलप होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नीचे की सरफेस पे छोटे छोटे डिवीजन दिखेंगे इस लेग्स में, राइट। उस छोटे से छोटे डिवीजन को कहते हैं टार्सस, TARSUS। क्या कहते हैं? टार्सस। जनरली पांच अलग अलग होते हैं तो उसको कहते हैं फाइव टार्सोमियर। क्या कहते हैं? फाइव टार्सोमियर। और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? क्लो, CLAW, क्लो। एकदम बिल्कुल लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लो ओवर हियर, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर। ये हो गया उसके लेग के बारे में। हमने क्या बात कर ली? थोरैक्स बात कर ली। अब हम बात करते हैं उसके लास्ट टॉपिक की, पोर्शन की, यानी कि अब हम बात करेंगे एब्डोमेन के बारे में। एब्डोमेन की बात करते हैं। जनरली एब्डोमेन जो होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। अब यहां पर एब्डोमेन में फोकस करिए, आपको कितने देखने को मिलेंगे? टोटल 10। कितने? टोटल 10 सेगमेंट देखने को मिलेंगे, 10, राइट। एब्डोमेन देखो, ये वाला डायग्राम देखो, सेगमेंट काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। टोटल आपको कितने? 10 डिफरेंट सेगमेंट देखने को मिलेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। वन पेयर ऑफ 15 सेगमेंट दैट इज नोन एज एनल सरका। यहाँ आपको एक और चीज मिलेगी, एनल सरसा या सरका कह सकते हैं, लास्ट पोर्शन जो होता है, राइट, दैट इज अराइज फ्रॉम द 10th सेगमेंट एंड परसिव ग्राउंड बोन वाइब्रेशन। जनरली ये 10th सेगमेंट से डेवलप होती है, लास्ट वाला जो है 10th नंबर का सेगमेंट है, वहां से डेवलप होती है, राइट। मेल्स की बात करो यहां पर, तो इन मेल्स देर इज वन पेयर ऑफ अनसेगमेंटेड एनल स्टाइल। मेल में जो प्रेजेंट होती है एक अनसेगमेंटेड एनल स्टाइल्स होती है, दैट इज फ्रॉम 9th सेगमेंट। कहां से अराइज होती है? 9th नंबर के सेगमेंट से होती है, सी दिस वन, राइट। सो इन बोथ सेक्सेस द 10th सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड एनल सरकाय वेस्ट एक्सक्रीशन के लिए, राइट। फीमेल की बात करें तो 7th स्टर्नम जो है दैट इज बोट शेप, 7 नंबर का जो सेगमेंट है दैट इज बोट शेप। 8th और 9th स्टर्ना जो है दैट इज गोइंग टू फॉर्म ब्लड और जेनाइटल पाउच, ब्लड और जेनाइटल पाउच। जनरली इट्स एंटेरियल पार्ट दैट इज कंटेन फीमेल गोनोपोरा, यानी कि यहाँ से उसके एक डेवलपमेंट शुरू होता है। स्पर्माथेकल पोर्स होते हैं, कोलेट्रल फ्लैंक्स भी होती है, जहाँ से ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जब रिप्रोडक्शन हम बात करेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में जरूर बात करेंगे, राइट, क्लियर है। सो इन फीमेल्स एनल स्टाइल्स जो मैंने बताया मेल में प्रेजेंट होती है दिस वन, तो फीमेल में ये क्या रहती है? एब्सेंट रहती है, राइट, फीमेल में एब्सेंट। एंड एब्डोमेन जो है थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, दस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो होता है वो प्रोमिनेंट होता है कॉकरोच में। यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कैसा रहेगा? प्रोमिनेंट रहेगा, क्लियर है एब्डोमेन, राइट। ये हमने क्या कर लिया? एब्डोमेन कर लिया है, ओके। यहां एब्डोमेन में जैसे हमने स्टार्टिंग में फीमेल के बारे में बात किया था, अब बात किसकी करने वाले हैं? अब बात करेंगे मेल्स की, ना, विल टॉक अबाउट दी मेल्स वन, राइट। तो अगर मेल की बात करें तो क्या लिखा है? देखो यहां पर जेनाइटल पाउच, जेनाइटल पाउच मतलब जहां से स्पर्म्स बनेंगे, जेनाइटल पाउच लाइज एट द हिंड एंड ऑफ द एब्डोमेन दैट इज बाउंडेड डोर्सली 9th एंड 10th सेगमेंट। टर्गा भी कैसे? टर्गा मतलब क्या? देखो यहां दो सेगमेंट जो कनेक्ट हो रहे हैं ना, उसके बीच में आपको एक जो लाइनिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज नोन एज टर्गा, राइट। तो यहाँ डोर्सली 9 और 10th के बीच का जो टर्गा है वहां प्रेजेंट होता है, लेकिन वेंट्रली देखें देन इट बाय द 9th स्टर्नम यानी 9th नंबर के पाउच में होता है। जनरली इट कंटेन्स डोर्सल एनस, क्या क्या होता है उसमें? डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पाउच एंड गोना एंड गोनापोफाइसिस, जनरली जो स्पर्म बनाते हैं और फर्टिलाइजेशन में जो आगे जाके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज गोइंग टू बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। क्या क्या प्रेजेंट होती है? एक पेयर होती है थ्रेड लाइक एनल स्टाइल की, विच आर एब्सेंट इन फीमेल, जैसा भी मैंने बताया एब्सेंट में, कहाँ एब्सेंट रहती है? फीमेल में एब्सेंट रहती है, क्या, राइट, एनल स्टाइल, ओके। अभी हम बात करेंगे डिफरेंस की, जिसमें डिफरेंस में हम क्या बात करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में मैंने दो कॉकरोच के बीच में आपको डिफरेंस बताया था, राइट, ब्लाटा, राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लाटा एंड पेरिप्लैनेटा दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा था। अभी हम मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन मेल
एंड फीमेल कॉकरोच, राइट। मेल की बात करते हैं, लार्जर इन साइज, जबकि फीमेल स्मॉलर होती है। मेल जनरली लार्ज साइज का होता है और फीमेल जनरली स्मॉल साइज का होता है, राइट। सेकेंड क्या लिखा है, विंग्स एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के टिप के आगे भी उसकी विंग्स रहती है मेल में, जबकि फीमेल में डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के बाद जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ ऊपर डायग्राम रखा है, ये वाला जो है मेल का डायग्राम है और ये वाला फीमेल है, राइट। तो विंग्स देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, एब्डोमेन यहाँ खत्म हो रहा है, राइट। उसके बाद भी आपको विंग्स देखने को मिलेगी मेल में, फीमेल में नहीं है। नेरो एब्डोमेन, मेल का एब्डोमेन थोड़ा सा नेरो होता है, देखो ये पूरा इस तरीके से आप देखना नेरो है, जबकि फीमेल का जो है ब्रॉडर होता है, देखो थोड़ा है मोटा ब्रॉडर है। एनल स्टाइल प्रेजेंट रहती है यहाँ पर, एनल स्टाइल क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, यहाँ छोटी सी आपको देखने को मिलेगी, राइट, यहाँ छोटी दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, जबकि यहाँ पर फीमेल में वो एब्सेंट है, देखो नहीं है प्रेजेंट, राइट। ब्लड पाउच एब्सेंट होता है मेल में, जबकि फीमेल में प्रेजेंट होता है ब्लड पाउच, राइट, ब्रूड पाउच सॉरी, जिसके अंदर एक आगे जाके डेवलप होगा, फर्टिलाइजेशन एंड सो ऑन प्रोसेस होती है, राइट। हाइट वाइज अगर आप देखें, हाइट वाइज अगर आप देखेंगे तो ये लेंथ में थोड़ा देखो लंबा दिख रहा है आपको और ये थोड़ा सा छोटा दिखेगा, राइट। तो ये हो गया मेल और फीमेल के बीच का डिफरेंस हमने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी के बारे में बता दिया, हमने डिस्कस कर लिया मॉर्फोलॉजी, राइट। अब हम जब अगली क्लास में जाएंगे, राइट, तो अगली क्लास में हम इसको इंडिविजुअल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम से हम शुरू करेंगे, राइट। कोई भी उसकी जो सिस्टम है किस तरीके से काम करती है, राइट, वो सारी डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, राइट। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर है जो मैंने आपको यहाँ अभी बताई है, किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर आपको कोई डाउट है आप कभी भी मुझे पूछ सकते हैं, क्लियर है एवरीवन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।